साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं सिसोली गांव में और ये पड़ता है भाइयों नंगड़ामल शुगर मिल के पास में गढ़ रोड पे। और सामने जो आप प्लॉट देख रहे हैं भाइयों, ये 0118 गन्ना वैरायटी किसान अब से 2 साल पहले लेकर आए थे। इस गन्ना वैरायटी में भी लेकर भाइयों बहुत सारी भ्रांतियाँ है, कई तरह की नकली वैरायटी भी इसके चक्कर में बुरी है। बाकी इसमें भी 2 वैरायटी है जी। तो किसान ने पिछले साल इसमें छटाई वटाई करके अब के साल ये बीज तैयार करा, वो सारी चर्चा तो किसान से करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसान से मिलवा दूं क्या तरीका बुआई का है, 0118 गन्ना वैरायटी चलेगी या नहीं चलेगी, टोटल चर्चा होगी वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखो जी, किसान ने सादी विधि द्वारा बोके 4 खुड़ बोके और 1 खुड़ छोड़ा गया जी। तो हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को परिचय करवा दो जी। मेरा नाम कुशलपाल सिंह जी, सनोप श्री विजयपाल सिंह। हाँ जी, गांव सिसोली, जनपद मेरठ, तहसील मेरठ और गढ़ रोड पे हमारा गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो भैया जी एक चीज बताओ, आप जैसे ये 0118 गन्ना आपने लगाया, सबसे पहले आप लेके आए थे, तो क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? आज तो हमने ये बहुत सही कर दिया। अच्छा अच्छा, वैसे ही जमीन को पकड़ भी रहा, देखो जी लोग कहें खेती ना होती बोर्ड ना होता। हाँ जी, हाँ जी, किद्दा है। सबसे बड़ी बात तो है किसान की अपनी मेहनत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जो अच्छा काटेगा बोएगा वो अच्छा काटेगा। अच्छा काटेगा जी। जैसे भैया इसमें एक ही मड्डे में 4 गन्ने सूखे भाई और 4 गन्नों में घोड़ा था, वो स्थिति देखी जा रही ज्यादातर 18 में। तो और कुछ किसानों का 18 बहुत अच्छा खड़ा, सारी की सारी डंडी आ रही है हमारे खेत में, तो ना तो मूना। हाँ जी, जितने गन्ने नीचे से चले जी उतने ऊपर तक जा रहे जी, क्योंकि एक तो बंधाई। अच्छा जी, एक मैं यूरिया का इस्तेमाल बखेर का नहीं करता जी, यूरिया देता हूँ नीचे क्रंचिंग में, ड्रेंचिंग में कमर की मशीन से। अच्छा, जब कोरोजन करता हूँ ना। हाँ जी, उसी टाइम 1 किलो बीघे का खाद उसी में घोल लिया। अच्छा, ड्रेंचिंग में नीचे जड़ों में दो, जड़ में देता हूँ। अच्छा, गन्ने पे मतलब जैसे एकदम टॉप बॉलर बरसात स्टार्ट हो। हाँ जी, तो कच्चापन रहता है। हाँ? तो इसमें दाना गेरते है ना लोग। हाँ? वो गोब में गिर जाता है और वहीं उसे काटता है और कीड़ा वहीं उस पर वार करे, वहीं वार करे। हाँ, तो ये जो मूना बनने की शिकायत है लोगों की, ऊपर टॉप बॉलर की ज्यादा शिकायत है, वो है यूरिया की नहीं। बीज की भी छटाई करी आपने? हाँ, बीज पे क्या काम करा? बीज पे तो हमने ये करा जी, हम जो लाए एक भाई से तो उसमें 38 था जी। हमने देखा कि भी इसमें आधे गन्ने तो ऊपर जा रहे हैं, 38 के छोटे हैं, तो हमने आधा गन्ना बीच में से काट के ठीक है 1 बीघा बीज बनाया। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब तो 38 में जान थी 2 साल पहले। हाँ, अब जो है 1/4 पोर्शन बोला जी जी जी। और पिछले साल अब जो हमने इसका बीज बना लिया। हाँ जी, तो हमने इससे 10 बीघे का नंबर ही लगाया। अच्छा अच्छा, ये कब की बुआई का भैया खेत आपका? 21 मार्च। 21 मार्च। हाँ जी हाँ जी, होली से 3 दिन पहले। अच्छा, 38 जितना निकट जाएगा 18, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे कम नहीं रहेगा, अगर ज्यादा भी ना होगा तो बराबर टक्कर देगा। बीमारी की बात करा कर 18 में कितनी बीमारी, उससे बहुत कम है। 3 स्प्रे है इस खेत में। अच्छा अच्छा, एक कोरोजन का जी और 2 जो है, एक तो हल्का उसका यही लैमड़ा मार दिया था। हाँ जी हाँ जी, हड़का हड़का आ रहा। और एक में मैंने उसके लिए क्या बोलते हैं कोम्बिकोल लगा दिया था। अच्छा अच्छा, तो ग्रोथ प्रमोट के लिए जी जी। हाँ जी, क्या एवरेज मान रहे खेत का? मतलब मैं तो नहीं खेतता जाते, जो किसान है देखने वाले वो तो कहे कि 70-80 तक जाएगा, पर मेरा अंदाजा है कि 70 ना तो 60-65 तो जाएगा ही। मैं खाम का डिंग मारू। हाँ ना, 70 का तो नहीं जाने का। देखो गन्ना, आप देखो 4 जून लग गए जी जी जी, और अभी मैं इसको चाह रहा था बंधवाओं पर, बंधवाने वालों की हिम्मत नहीं है। आप तो और कौन सी वेराइटी आपके हिसाब से काम कर सके फिलहाल? देखो किसान को कम खर्चे पे हाँ जी काम करना चाहिए जी। अगर मिजान हो तो ट्रेंच के इम्प्लीमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अगर जो किसान का अपनी ये इम्प्लीमेंट है। हाँ जी हाँ जी, तो इनसे भी काम कर सके, जैसे 4 लाइन लगाई है। हाँ जी, 6 भी लगा सके हम। इसका क्या फायदा होगा जैसे 4 लगाए? ये फायदा, जैसे अब हम इसमें खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी, इसमें हम स्प्रे कर लेंगे। हाँ जी, कभी भी इसमें घूम कर देख लेंगे। हाँ हाँ, जो जनरली करना आपका कहीं भी देख लो आप। हाँ जी हाँ जी भैया, मैं ये फायदा है कि देखो जो हवा बाल लगे गन्ना बढ़ता है, बढ़ता है बिल्कुल। और बिल्कुल, इसको देखने के लिए आप रोज घूम लोगे, जो वैसा होता है उलझा हुआ। हाँ, इसमें कई महीने तक आदमी घुसता भी ना तो बेल देखता। हाँ जी हाँ जी, ना ये देखता कि मेरा गन्ना चल गया सर। हाँ जी भैया, तो भैया इसमें आप ये चीज बताओ, जैसे 4 खुड़ बोके आपने। हाँ, इस बार वैसे मैं 6 बोने की सोच रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि 6 में इस पे ट्रैक्टर की एक लाइन में 6 मतलब 15-16 फुट का बाढ़ आ जा, आधी दवा खाली जगह में ना जा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और 6 खुड़ में शायद उत्पादन भी शायद कम नहीं होने का। हाँ कम नहीं होने का। हाँ, तो अभी 28 इंची पे लगा रखा आपने? ये 32 इंची है। अच्छा, अपने जनरली
हम पे कुबोटा ट्रैक्टर है। हाँ जी, और अपने वही पुराने इम्प्लीमेंट हैं। जी जी, पर गन्ना जोतने का पावर वीडर तो हम ले आए हैं ट्रैक्टर का। अच्छा अच्छा, जो अब एक तो ये बना रहे ना तोमर अलावा। हाँ, हाँ जी हाँ, हम पे कलसी का भटिंडा पंजाब का, हम देविंदर हप्पुड़ से लाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ तो हमें उसका काम बढ़िया लगा, कितनी बार जोत लो। हाँ हाँ, फिर उसमें टीलर निकाल लें। हाँ जी जी हाँ, बस ये है कि जब हमने इसकी बुआई करी, हाँ जी, सूखे मतलब खुड़ा खुला खुड बोया। हाँ जी, और हल्का हल्का पानी दिया। हाँ, और उसको जमने दिया। हाँ जी, एकदम उसमें मट्टी नहीं भरी। मट्टी नहीं भरी, हाँ यही तरीका होना चाहिए। किसान क्या है कि या तो एकदम मैड़ा मार दे। हाँ जी, या फिर उसको एकदम से पाट दे। हाँ, ट्रिलिंग निकलने नहीं देता। अगर चार गन्ने निकल रहे हैं, छह गन्ने निकल रहे हैं, तो उन्हें निकलन दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में मट्टी पर काम करो। अच्छा भैया एक चीज बताओ, आप जैसे 0118 गन्ना वैरायटी होगी, आपके इधर और दूसरी वैरायटी कौन सी चल रही है? 35 बोई है लोगों ने। 1335। हाँ जी हाँ, ठीक कर रही काम। 35 सही पकड़ रही है, अब दो तीन साल में ठीक हुई है। अच्छा अच्छा, शुरू में लाए, मैं भी लाया। हाँ जी हाँ जी, तो मुझको उन्होंने वो दिए पॉइंट। हाँ जी हाँ जी, और मैंने वो बोए। हाँ जी, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रिलिंग ही। हाँ, वो बारीक बारीक गन्ने रह गए। हाँ जी हाँ जी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने खुद उजाड़ दी। हाँ, ये मोटे मोटे गन्ने हैं। हाँ जी हाँ जी, मैंने ये बढ़ाई। अच्छा, पर अच्छा। अब क्या है कि मैं उसको थोड़ा सा इसलिए बढ़ाऊंगा, उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है। अच्छा, कीड़ा नहीं उसमें। 2-4 बीघे कम पानी में। हाँ जी हाँ जी, कम खर्चे में वो हो जाएगा। हो जाएगा हाँ। तो आप ट्रेंच से संतुष्टि है या जो ट्रेंचन आप बताओ इस तरीके से? मन तो मेरा कर रहा था बहुत, छोटा ट्रैक्टर ले आऊं। हाँ जी हाँ जी, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी हो। हाँ जी हाँ जी, अब हम सारे पैसे इसी पर लगाते रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, किसान की तो एक मजबूरी है, जी तो करता है। हाँ जी बिल्कुल, एक से अच्छे से अच्छी हम साधन पैदा करें। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मगर क्या है कि कुछ कंडीशन हो। बिल्कुल, अगर फाइनेंशियली हालत ठीक हो तो ट्रेंच में जाने में कोई नुकसान नहीं है। जी जी, 35 बोलो। हाँ जी, 60 इंची बोलो, कम खर्चा होएगा। हाँ जी हाँ जी, एक बार का बुआ हुआ बीज कई साल तक चलेगा, 4 साल तक काट सकता है। हाँ, 4-5 साल तक चल सकता जी जी। और 18 वैरायटी पे भी अगर काम करे किसान, हाँ 1/3 पोर्शन लेके बीज अच्छा करके। हाँ, और बुआई का तरीका बदला जी, पूरी लंबी है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक शुगर की मात्रा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लूकोज ऊपर ही होता है। हाँ जी, किसानों से मैं ये कहूंगा, हाँ जी, जिस टाइम बीज बना हुआ है अपना, हाँ जी हाँ जी, उसमें 10 किलो बीघे का यूरिया डाल लो जहाँ बीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें पानी लगाओ। पानी लगाओ, और उसको भी कोशिश करो कि यहाँ से काट लो। हाँ जी हाँ जी, इसे मील को दे दो। इसे मील को दे दो, गन्ना लेट ना बोना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जब तक हमारी मील चलती रहे, हाँ जी, तभी गन्ने की बुआई करना। मील चला जा, बिल्कुल बिल्कुल, छटा हुआ सड़ा हुआ सब गन्ना वहाँ चला जा। हाँ जी, अगर हम सोचे कि बीघे तो कर दे 100 और काम ना हो 2 बीघे का भी, बिल्कुल तो बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बहुत से खेत है हमारे पड़ोस में ये अड़तीस। हाँ, है, मैंने इनसे बहुत मना करी भाई सर कि अब 38 मत लगाओ। हाँ जी, मगर लगा लिया 38 से लोगों का मोह छूट नहीं। तो 38 खराब हो गया जी आपके? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा खराब है, यही है, इतना इतना सा रह गया। हाँ जी, तो भाइयों देख लो जी, किसान का अपना बुआई का तरीका अलग, बाकी 0118 और 13235 नंगलामल शुगर मिल क्षेत्र पर सबसे ज्यादा है, और ये वैरायटी अब की बार में सबसे ज्यादा बुआई होगी। और सारा गन्ना, एक बात और बता दो, हाँ सारा गन्ना मिल ने ये कह दिया कि एक एक गन्ना हम 20 मिलेंगे। हाँ जी, इसमें तुम्हें 50 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलेगा। जी जी जी, जो रेट है 0118 का सारा। हाँ, लेंगे सारा गन्ना, एक भी गन्ना हम नहीं देंगे। 13235 का भी कहीं नहीं? 13235 के लिए तो इतना नहीं कह रहे, हाँ जी, कि मजबूरी है किसान। हाँ जी, बहुत तार उसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास 3 खेत है और भी जी। तो भाइयों देखो, वीडियो आपको पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।